बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा अला कुल्ली शयइन कदीर। नाज़रीन, एक और वीडियो में आपके साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में आपके साथ सर्वे ऑफ पाकिस्तान टेस्ट के बारे में बात की जाएगी। आपको बताया जाएगा टेस्ट कितने नंबर का होता है, ठीक है। टेक्नीशियन का जो टेस्ट 10 अक्टूबर को हुआ है आपको वो भी दिखाया जाएगा, ठीक है। और कितने लड़के सेलेक्ट हुए हैं, शॉर्ट लिस्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए, वो भी आपको बताया जाएगा। टेस्ट कैसा था वो भी आपको बताया जाएगा, मुश्किल था टेस्ट या आसान था वो भी आपको बताया जाएगा। टाइम ड्यूरेशन कितना था उसका हल करने के लिए वो भी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसके लिए टाइम क्या होता है। 2 घंटे रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। इनका जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, आर्मी का इदारा है, ठीक है। ये जो इसका एड्रेस है, फैज़ाबाद स्टॉप के बिल्कुल साथ है, मेट्रो से आप उतरेंगे। इस पिंडी वाले की बात कर रहा हूँ, जो पिंडी मेट्रो आप उतरेंगे, मेट्रो फैज़ाबाद स्टॉप पर आप उतरेंगे, बिल्कुल साथ ही इनका एड्रेस है, ठीक है। सबसे पहले आप जाएँगे, 2 घंटे का इनका टेस्ट होता है। ड्यूरेशन जो होता है 100 MCQs होते हैं, ठीक है, पेपर। और इनके पेपर की बात की जाए तो बहुत ही मुश्किल पेपर आया था 10 अक्टूबर को, ठीक है। बहुत ही मुश्किल था। वो पेपर भी हमारे पास मौजूद है, अगर आपको वो चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे और पर्सनल मुझे मैसेज करें, मैं आपको इनकी लिस्ट भेज दूंगा, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है, शॉर्ट लिस्ट जो हुए इंटरव्यू के लिए उनकी। और उसके साथ साथ आपको मैं जो भेजूंगा इनके जो पेपर आया था 10 अक्टूबर 2022 को, जो इनका पेपर आया था वो भी आपको मैं व्हाट्सएप पर सेंड कर दूँगा। वेबसाइट भी मैं अपलोड कर रहा था लेकिन कोई वायलेशन इशू आ रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से अपलोड नहीं हो रहा था। इस वजह से हम अपलोड नहीं कर सके अपनी वेबसाइट पे, वरना मैं लाजमी अपलोड कर देता। आप सिंपल मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक दूंगा, आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, मैं आपको पेपर्स भी सेंड कर दूंगा। जो 10 अक्टूबर को पेपर आया था टेक्नीशियन का वो भी सेंड करूंगा पूरा, आप देख लेना। मुश्किल पेपर था, ठीक है, आपने तैयारी करके जानी है। उसके बाद सिलेक्टेड जो कैंडिडेट थे इंटरव्यू के लिए, जो सिलेक्ट हुए थे, वो उसकी लिस्ट भी मेरे पास मौजूद है, मैं वो भी आपको सेंड कर दूंगा। तो आपको बताते हैं टेस्ट के बाद क्या सिचुएशन होती है। टेस्ट के बाद आपको 3 से 4 घंटे वहाँ पे इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद लिस्ट लगती है, ठीक है। शॉर्ट लिस्ट जो होते हैं इंटरव्यू के लिए उनकी लिस्ट लगती है, ठीक है, वो लिस्ट इनके गेट पे लगती है। आपको उसमें अगर आपका नाम है तो आप उसी दिन इंटरव्यू आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका उसमें नाम नहीं है तो आप सिलेक्ट नहीं हुए, यानी कि आप घर चले जाएँ, ठीक है। तो वहाँ पे टोटल 22 लड़के सिलेक्ट हुए, 600 से 700 तकरीबन लड़के थे, जिसमें से 22 लड़के इन्होंने सिलेक्ट किए इंटरव्यू के लिए। काफ़ी इंतज़ार कराया, पूरा दिन ज़ाया हुआ इसमें, ठीक है। लोगों का काफ़ी दूर दूर से लोग आए थे, पूरा उनका दिन ज़ाया हो जाता है इस चीज़ में, ठीक है। तो आपने ये चीज़, अगर आप पिंडी में ही रहते हैं तो आप घर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप दूर से टेस्ट देने आए हैं तो आपको वहाँ पे वेट करना पड़ेगा, उसी दिन आपका इंटरव्यू हो जाएगा अगर आपका नाम उस लिस्ट में आ जाता है। तो लिस्ट भी आपको मैं सेंड कर दूंगा। उसके अलावा मैं जो 10 अक्टूबर को पेपर आया है 100 MCQs हैं, उसमें पूरा पेपर आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा, फिर मुझे पर्सनल वहाँ पे मैसेज करना पड़ेगा व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे पूरा जो इसका पेपर है वो भी सेंड कर दूंगा, 10 अक्टूबर वाला सर्वे ऑफ पाकिस्तान टेक्नीशियन का। उसके अलावा मैं आपको जो 10 अक्टूबर को शॉर्ट लिस्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए बंदे, उनके रोल नंबर भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन लाजमी दबाएँ। हम इस चैनल पर आपके लिए सच इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर होते हैं, अगली वीडियो में किसी और सच इन्फॉर्मेशन को लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।